इतालवी अधिकारियों ने उन 26 किशोरियों की मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जिनके शव भूमध्य सागर में पाए गए थे। 14 से 18 साल उम्र की इन लड़कियों को नाइजीरिया का प्रवासी माना जा रहा है, जो सप्ताहांत में लीबिया से यूरोप पहुंचने के लिए खतरनाक सफर पर रवाना हुई थी। मृत किशोरियों के शवों का परीक्षण किया जाएगा और शव परीक्षक इस बात की जांच करेंगे कि क्या लड़कियों को यातनाएं दी गई थी या उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया था। उधर इटली की पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे भी पूछताछ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के मुताबिक इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक केंद्रीय भूमध्य मार्ग पर 2839 प्रवासियों की मौत हो चुकी है।